नमस्कार दोस्तों, एंटिक डायरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं मालदेवता, और मालदेवता में हम दिखाएंगे आपको कि वो कैसी जगह है, वहाँ पर कितने ऊंचे माउंटेन्स हैं, कैसा व्यूज है वहाँ का, कैसा नेचर है। तो आपको इस वीडियो में, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए और हमें बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। आज हम आए हैं मालदेवता। मालदेवता के ऊपर हम बहुत ही हाईएस्ट चोटी में हैं, और देख लीजिए इसका व्यूज, देख लीजिए आप, काफी अच्छा व्यूज है। नीचे आपको नदी दिखेगी। आपको व्यूज दिख रहा होगा यहाँ से, नीचे नदी वाला व्यूज, ऊपर की साइड आपको मून भी दिख रहा होगा ऊपर चोटी में। हम बहुत ही ऊपर चोटी में हैं, देखिए आप यहाँ का व्यूज, और चांद भी हम आपको दिखा देंगे, वो देखिए आप इसमें चांद देख सकते हैं। बहुत ही पहाड़ की चोटी में चांद जो है वहां पर विराजमान है। कजन ब्रदर, अरे मेरा साला अरे कनेक्ट कर रहे थे बड़ी देर से, अब जाके कनेक्ट हुआ है हमारे यहाँ पर। यहाँ पर ऊपर पैराग्लाइडिंग होती है ना, यहाँ ऊपर की तरफ को पैराग्लाइडिंग, जहाँ पर ट्रक है, ट्रक के पीछे से रास्ता है यहाँ पर। और देखिए कितना प्यारा व्यू है, मैं आपको चांद भी दिखा देता हूँ, ये देखिए क्या प्यारा चांद आ रखा हमारा, ये देखिए। ये उसी के बगल में एक ट्रांसफार्मर है, और उसके बगल में एक गाँव है, ये देखिए। और नीचे आपको मैं नदी का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए वहाँ पर एक कॉटेज भी है रहने के लिए, देखिए। बड़ा ही सुंदर मौसम है आज का, ठंड बहुत हो रही है, भले यहाँ बर्फ पड़ती नहीं है मगर ठंडा बराबर होता है यहाँ की तरफ, क्योंकि हवाएं चलती रहती है जो आती है बर्फों के वहाँ से, बर्फों की वादियों से। ये और मास्क जरूरी है कोरोना टाइम पे, आजकल ओमिक्रॉन काफी चल रहा है, तो इसलिए हम मास्क हमें अपनी रक्षा। और ये ओमिक्रॉन होम नाम से है, जो बंदे होम में बैठ के काम करते हैं, ये ओमिक्रॉन उनके लिए है। तो हम भी यहाँ पर कुछ, ये ओमिक्रॉन है जो ये आपका संडे को काफी यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, हाँ अच्छा माहौल रहता है। ये ओमिक्रॉन है जो गूगल क्रोम से आया है, इसलिए आप जितना हो सके गूगल क्रोम का यूज मत कीजिए, वरना आपको ओमिक्रॉन हो जाएगा। फायरफॉक्स का यूज किया, उसमें गर्माहट होती है और गर्मियों में ज्यादा कम फैलता है। फायर के साथ फॉक्स हाँ, और इसी के साथ हमने अपनी वीडियो को विराम देते हैं, आप पहाड़ों का लुत्फ उठाइए। ये देखिए हम आपका वापस मालदेवता की तरफ को जाते हुए, नीचे जो रायपुर की तरफ को जाते हुए है ना, देखिए बड़ी ही संकरी रोड है, और इसमें सिर्फ एक ही गाड़ी आ सकती है, दूसरी का क्रॉस होना बहुत ही मुश्किल है। जैसे लाइफ में सिर्फ एक पर्सन की जरूरी होती है, वैसे जो ये रोड है इसमें भी एक पर्सन की ही जरूरत है हमें। ये माल देते हैं लोग, बस पार करते हैं, हम श्रेष्ठ पर पहुंच चुके हैं। ये
मालदीव का गैप पुल, ये लंबी जटाएं वाला बाबा। इसे आप कौवा मत समझना, ये देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है, बिल्कुल सूरज के पास करते हुए लोग पैराग्लाइडिंग। तो दोस्तों मालदेवता का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ का आपको नेचर, यहाँ के जो माउंटेन्स थे, जो यहाँ की जो नदी थी, आपको क्या पसंद आया कमेंट में हमें जरूर बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।